दोस्तों, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होगे, इसका साइज है 28x40। जी हाँ दोस्तों, 28x40। तो इसकी आज हम डिस्कस करेंगे पूरा प्लान, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होगी स्क्रीन पर। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है विथ कार पार्किंग है, 28x40 विथ कार पार्किंग हाउस प्लान मैंने डिज़ाइन किया है और बहुत ही बेहतरीन लुक भी दिया है। और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान दिया मैंने। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है वेंटिलेशन की रिगार्डिंग, तो इसी को पूरा डिस्कस करेंगे। अगर फ्रंट से बात करें तो ये मॉडल आप ऐसा देख पा रहे होगे, फ्रंट लुक इसका, मतलब सामने से आपको ऐसा दिखेगा होगा। मैंने सामने से ही डिज़ाइन किया क्योंकि ज़्यादातर मकान थ्री साइड क्लोज ही होते हैं, ओपन फर्स्ट साइड ओपन होते हैं, तो वही पूरा मॉडल है और इसका आज हम डिस्कस करने वाले पूरा मॉडल। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो पूरा हमारे स्मॉल हाउस प्लान को आप जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको मल्टीपल्स वीडियोज़ मिलते हैं, लगातार वीडियोज़ मिलते हैं और किसी भी साइज़ का आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँ तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलो पूरा हम प्लान डिस्कस कर लेते हैं हमेशा के तरीके से। सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंट, जैसा कि आपको हर बार करके दिखाता हूँ, कोई भी प्लान हो तो इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं हम। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको मॉडल दिखता है बिल्कुल सेम, पूरा दीवारें आपकी हाइड हो जाती हैं और आपका जो भी अंदर तक ये मॉडल दिखने वाला होता है। तो प्रॉपर चीज़ें मैंने यहाँ एडजस्ट की हैं, सब कुछ आपको डिफाइन करेंगे इसका। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है इस मॉडल को, तो दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका नाम भी है smallhouseplan.com। आप जैसे वेबसाइट पर हमारी जाएंगे तो वहां पर आप इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2D एंड 3D इमेज मिलेंगी विद साइज़। आपको प्रॉपर साइज़ पता चल जाएगा कि यहाँ पर किचन कितने का है, बेडरूम कितने का है, रूम कितने का है। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे आपके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आप चलते हो, देखिए फ्रंट से ये लुक आपको ऐसा दिखेगा, मतलब सामने से ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने दो इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, 28 फीट चौड़ाई है जैसा कि। तो ये देखिएगा, आपको ऊपर से अगर हम टॉप व्यू देखें तो ऐसा। अब हम मेन डोर की बात करें, अगर आपके पास कार है तो बहुत ही बेहतरीन ये वाला स्पेस आपका, मैंने जैसा कि बोला विथ कार पार्किंग ये मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है, तो ये आपके लिए कार पार्किंग लिए, और मेन डोर भी आपका यही है, मेन डोर ये है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस डोर को भी मेन डोर बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक आपके लिए गेस्ट रूम तैयार किया है, बहुत ही बेहतरीन सा बड़ा सा, जिसका डोर मैंने बाहर से भी दिया है और ये आपका विंडो भी दिया है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और इससे इस रूम में अगर हम बात करें तो आप सामने से भी जा सकते हैं, मतलब बाहर से भी, अन्यथा आप यहाँ से कार पार्किंग की जगह से भी जा सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप इस रूम में आएंगे तो आपको फिर एक ये डोर मिल जाता है अंदर जाने के लिए, ये आपका विंडो है वेंटिलेशन के लिए। तो आप जैसे इस डोर से एंटर करते हैं तो आप आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको एक गली सी दिख रहा है। इसके बाद अब हम सामने वाले रूम को, एक ये आपका बेडरूम है बड़ा सा, और जिसके लिए मेन डोर है, ये आपका विंडो है, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें किचन की, तो ये आपका किचन है दोस्तों, ओपन किचन मैंने यहाँ पर रखा है, ये आपका किचन है। और किचन के साइड से आपको ये एक स्टोर रूम मिल जाता है दोस्तों। अगर आप चाहें, कोई भी घर में बहुत सारे वेस्टेज होते हैं जो आपको रखने के लिए जगह प्रॉपर चाहिए होती है, तो उसके लिए स्टोरेज मैंने बना दिया है, ये देखिए स्टोरेज रूम है। आप इसके भी एक डबल छत वाला स्टोरेज बना सकते हैं, वो भी मैंने प्रॉपर बनाया है। और अगर बात करें, इस मेन डोर से जाएंगे तो आपको एक कॉर्नर पर कुछ स्पेस, ये अप्रॉक्स 3 से 4 फीट का, 3x4 का यहाँ पर ओपन मिलेगा। ये मैंने स्पेस छोड़ा है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप पेंट करता आप यहाँ कुछ भी एडजस्ट कर लें या स्टोरेज को बढ़ा लें, लेकिन मैंने जो स्टोरेज ये स्पेस छोड़ा है, इसमें ऊपर जब आपका छत पड़ेगा तो यहाँ पर आप जाल रखवाइएगा या जाल ना रखवाइएगा, वो लास्ट में बिल्कुल एक बार जाल रखवाइएगा, तो इसमें क्या है आपका ऊपर से सूरज की रोशनी आएगी, सनराइजेस आएंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी वेंटिलेशन का, कोई हवा की प्रॉब्लम नहीं होगी, रोशनी की प्रॉब्लम नहीं होगी मकान में, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ से मिलता रहेगा। तो ये स्टोरेज हो गया, ये वेंटिलेशन के लिए मैंने कुछ जगह स्पेस ओपन कर दिया है और जिससे आपको दिक्कत ना हो। इस वेंटिलेशन के ये जगह है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, वो इसके लिए मैंने ये देखिए डोर बना दिया है, आप यहाँ पर पर्दे डाल सकते हैं या बिल्कुल क्लोज्ड डोर लगा दें।
तो ये आपका किचन हो गया, ये स्टोरेज हो गया, ये वेंटिलेशन के लिए हो गया। अगर हम बात करें इसकी दोस्तों, तो ये आपका बाथरूम है जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है, और यहाँ से आपको स्टेयर्स पीछे मैंने दिया बिल्कुल कॉर्नर पर। ये देखिए आपको स्टेयर्स हैं एल साइज की, पहले आप यहाँ से चढ़ेंगे और इधर के ऊपर आ जाएंगे, और ये बिल्कुल आपका लेटरिंग एंड बाथरूम बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पे है। सीढ़ियों के नीचे से आपको लेटरिंग एंड बाथरूम जाना पड़ेगा, और बाथरूम आपका मैंने सेपरेट बना दिया। आप चाहें तो यहाँ कमांड भी कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ केवल आप लेटरिंग एडजस्ट कर दें। फिलहाल ये मैंने बाथरूम अलग से भी बना दिया है। तो यहाँ पर आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि बड़े बड़े बेडरूम है। साइज आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। ये कार पार्किंग के लिए स्पेस, आप यहाँ बाइक पार्किंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप इसको रूम भी एक बड़ा सा बना सकते हैं। तो ये हो गया पूरा ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर दोस्तों। तो चलिए हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे तो फ्रंट से ये लुक आप ऐसा देख पा रहे होंगे। ये फ्रंट से ये मैंने बालकनी निकाल दी 2 से 2.5 फीट का, जिसमें आपको ग्रॉस लगा दिया है। और जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से आते हैं यहाँ पर, देखिए बिल्कुल सेम मैंने वही सारा डिज़ाइन किया है। तो पीछे वाला रूम वही है, वही आपका ये वेंटिलेशन के लिए, वही स्टोरेज है, वही किचन है, वही बाथरूम है, वही लेटरिंग है। सिर्फ जो आपका नीचे कार पार्किंग के लिए जगह था वो आपका यहाँ पर एक बन जाता है बेडरूम बड़ा सा। तो आपके यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम हो जाएगा, 1 पीछे 2 आगे। तो ये आपके बेडरूम हो गए, और ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर। ये पूरा डिस्कस करने के बाद अब ले चलते हैं आपको हम लास्ट फ्लोर पर। तो मैंने फिलहाल यहाँ कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चारों तरफ 3.5 से 4 फीट का बाउंड्री कर दिया है, और ये रेलिंग बना दिया है, और ये स्टेयर्स को ढक दिया है जिसमें आपका प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप पानी की टंकी से पूरे घर में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल था 28x40 जो मैंने डिस्कस किया, फिथ कार पार्किंग। अगर दोस्तों ये मॉडल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कोई मॉडल चाहते हैं बनवाना तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप जैसे कमेंट करते हैं तो मैं आपका मॉडल ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन सभी को पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिसका भी मैं एक रैंडम मॉडल ज़रूर क्रिएट करता हूं, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों थोड़ा, और हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहाँ पर मल्टीपल से घर देख सकते हैं अलग अलग। मैंने वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कॉस्ट रखा है, 99 रुपीज़ में आप कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2D इमेज 3D इमेज विथ साइज, सारा साइज आपको मिल जाता है, पूरा डिटेल आपको वहां पर मिल जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों वेबसाइट पर विजिट करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।